नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। बीजेपी कार्यालय में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि उमेश शर्मा का काम अभी बाकी था, ये उनके जाने का समय नहीं था और ना ही किसी ने ऐसी कल्पना की थी। हमारे लिए विश्वास करना मुश्किल है कि एक ओजस्वी वक्ता आज हमारे बीच नहीं है। उनके व्यक्तित्व में एक आदर्श कार्यकर्ता की सभी खूबियां मौजूद थी। शिवराज सिंह चौहान सीएम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा ने इस मौके पर कहा कि उमेश जी बहुत छोटी उम्र में पार्टी से जुड़ गए थे। वो 1980 में हुए पार्टी के पहले अधिवेशन के साक्षी रही हैं। पार्टी अध्यक्ष ने कहा कि उन्होंने अपनी ओजस्वी वाणी से छात्र राजनीति में भी अपना लोहा मनवाया था। वो अंतिम समय तक संगठन के लिए काम करते रहे। वीडी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष श्रद्धांजलि सभा में विधायक रामेश्वर शर्मा, महामंत्री भगवान दास सवनानी, प्रदेश मंत्री राहुल कोठारी, विभिन्न प्रकोष्ठों के अध्यक्ष, पत्रकार जगत की कई जानी मानी हस्तियों ने स्वर्गीय उमेश शर्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की। भोपाल से संवाददाता आदिल खान की रिपोर्ट। मेरा निकटतम तुम चला गया। मैं अभी उनके परिवार में बैठने के लिए गया था। उमेश जी से लंबा समय मेरे अपने संपर्क में रहने का और बीता है। मैंने यह अनुभव किया कि उस कार्यकर्ता के जैसा जीवट कार्यकर्ता दुर्लभ, स्वयं एक अपने आप में एक अच्छे वक्ता के रूप में कार्यकर्ता रहे हैं। समर्पण तो इतना कि पार्टी ने कहा तो अपने सारी बातों को एक तरफ फेंक करके तुरंत एकदम पार्टी के कार्य के लिए तत्पर रहना। अब ये सहज एक उत्तम कार्यकर्ता के जो लक्षण है वह उनने देखने को मिलते हैं। बंधुओं, अचानक ही उनका जाना परिवार में जब गया तो मन थोड़ा सा मेरा अपना एकदम विगलित हो गया। परिवार अभी कच्चा है। परिवार की जिम्मेदारियों से मुक्त होकर के जब व्यक्ति के ऊपर विदा लेता है उनकी आवाज जो है वो हमारे पत्रकार जितने जानते हैं, मुझे पत्रकार भी कई कहते रहे यार ऐसा कार्यकर्ता और इतना अलर्टनेस के साथ आज भी काम करता है, तो कई प्रकार उनके बारे में लोग पॉजिटिवली बातें करने का प्रयास करते थे। पूरी मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी उनके साथ खड़े होकर के, उनके परिवार के साथ भी, और जो संभव हो सकता है हम सब लोग मिलकर के उनको ताकत देने का काम उनके परिवार को जरूर करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी तत्काल वहां पर पहुंचे थे जैसे ही घटना हुई और माननीय मुख्यमंत्री जी इंदौर में ही थे, तत्काल वहां पहुंचे, उनके परिवार को भी संबल देने का काम किया। इससे संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी श्रद्धेय उमेश जी के साथ खड़े होकर के उनके परिवार को संबल देने का काम तो करेगी। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दें और भारतीय जनता पार्टी परिवार, उनके परिवार और पत्रकार जगत के परिवार पर भी, जो उनका लगाव और संबंध बहुत था पत्रकारों के साथ, हमारे इस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के साथ, इनके ऊपर जो वज्रपात हुआ भगवान उन सबको भी इस वज्रपात को सहन करने की शक्ति दे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सच्ची श्रद्धांजलि होगी। समय नदी की धार के जिसमें सब बह जाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं इतिहास बनाया करते हैं। उमेश जी ने अपनी कर्तव्यों की पूर्ति करके एक नए इतिहास का सृजन युवा कार्यकर्ता के नाते किया है। मैं उनके चरणों में अपनी ओर से, अपने संपूर्ण परिवार की ओर से श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूँ। परिवार सचमुच में बहुत ही असहज और दुखी है। अचानक ये वज्र टूटा है, उस परिवार के साथ भी हम सब लोग खड़े हैं। मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें और परिवार को, उनके मित्रों को, अनुयायियों को, साथियों को पूरे प्रदेश में फैले, इसमें पत्रकार जगत के लिए अनेकों मित्र हमारे सम्मिलित हैं, उनको ये गहन दुख सहन करने की क्षमता दे। ओम शांति, शांति, शांति। सो गए दास्तान कहते कहते, अभी जाने का समय नहीं, काम बहुत बाकी था और हम में से किसी की कल्पना नहीं थी कि उमेश जी इतने जल्दी हमें छोड़ के चले जाए। उनकी वाणी में ओज था, सरस्वती जी उनकी जिह्वा पर विराजती थी। किसी भी विषय पे हो उमेश जी जब बोलते थे
तो सुनने वाले सुनते ही रह जाते थे। मैंने ऐसा ओजस्वी वक्ता जो युवा थे अभी सचमुच में मैंने नहीं देखा। और प्रेजेंस ऑफ माइंड की बात कहें तो तत्काल किसी भी प्रसंग पे किन शब्दों का उपयोग करते हुए कौन सी उपमा देते हुए बोलना है उनमें आलुप्ति और अद्भुत था। सरस्वती जी की भरपूर कृपा थी उनपे और पार्टी के लिए पूरी तरह से समर्पित थे। ये जरूर था कि जो दिल में आता था तपाक से कहते थे और विचारधारा के प्रति प्रतिबद्धता। आदरणीय अध्यक्ष जी ने भी बताया कि भारतीय जनता पार्टी 1980 में भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ। जनसंघ जनता पार्टी के बाद भारतीय जनता पार्टी किया उस पहले अधिवेशन के भी वो साक्षी थे। पार्टी का कोई कार्यक्रम उन्हें नहीं छोड़ा और वैचारिक प्रतिबद्धता इतनी थी कि अगर उनको लगता था कि उसके खिलाफ कोई काम कर रहा है देश के विचार के तो वो सहन नहीं करते। मुझे याद है जब दिग्विजय सिंह जी ने आतंकवादियों को जी साहब कहकर मेहमा मंडित किया था तो उन्होंने कहा था कि अपने कार्यालय में इनका फोटो तो नहीं लगा लेते, पर केवल कहा नहीं वहां फोटो लगा भी आए। जब इतना मानते हो इतना पूछते तो लोग लगाओ करो पूजा। अब ऐसा तीखापन आमतौर पर ऐसी प्रतिक्रिया आम कार्यकर्ता शब्दों से ही देखे सोच लेता है कि अपना कर्तव्य पूरा हो गया, लेकिन अगर उनको कोई बात खटकती थी। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहिए न्यूज 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।